नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा का इस रूप से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की बुद्धि और विवेक की माता भी कहा जाता है। दोस्तों, जो स्कंद माता जी हैं उनको बुद्धि और विवेक की माता जी भी कहा जाता है, और इनका जो नाम था भगवान कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो माता जी का नाम था वो स्कंद माता नाम पड़ गया था। बाकी दोस्तों मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। तो स्कंद माता की पूजा करने से संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत होती है, और स्कंद माता की पूजा करने से ही बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा करने से जो हमारी बुद्धि होती है वो बहुत तेज हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और दोस्तों पूजा करने से जो हमारी जो सुनी गोद होती है वो भी जल्दी भर जाती है, ऐसा बोला जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भी सुनी गोद जल्दी भर जाती है, और स्कंद माता की पूजा करने से सभी तरह की व्यवर्धियों का अंत भी हो जाता है, जो हमारी परेशानियाँ होती हैं उनका अंत भी हो जाता है। और स्कंद माता की पूजा करने से अवलौकिक तेज की प्राप्ति भी होती है, और हमारा जो भी काम रुका हुआ होता है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि के जो पांचवें दिन जो माता रानी है इनके जो पूजा की जाती है, दोस्तों जो नौ दिन होते हैं नवरात्रि के, उसमें से पांचवें दिन इस माता जो स्कंद माता जी हैं उनकी पूजा की जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।